इन एनिमल्स, राइट। हमने क्या न्यूट्रिशन एनिमल्स, जिसमें कि हमने जो है वो उसका कर लिया, क्या था अपना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अपना अमीबा का किया हमने, राइट। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो भाई जब भी प्लांट्स की बात कर रहे हो, प्लांट्स की बात करते हुए सबसे पहले दिमाग में आता है फोटोसिंथेसिस। क्या आता है दिमाग में? फोटोसिंथेसिस, कि जो प्लांट्स है हमारे पास में वो ग्रीन है, हमारे पास में उनके पास में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है उनके पास में? ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है हमारे पास में, मतलब ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जिसमें क्लोरोफिल होता है, जिस कारण से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हमारे पास। इसीलिए हम प्लांट्स को क्या कहते हैं? हम प्लांट्स को कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं हमारे पास में? ऑटो मतलब होता है भाई सेल्फ, ट्रॉप मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ फूड। सेल्फ मतलब क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ फूड। तो जो सेल्फ से अपना, खुद से अपना फूड का सिंथेसिस करते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई हम प्लांट्स हमारे पास में? ग्रीन प्लांट्स। और इसीलिए उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि प्लांट्स अपने आप से अपना खाना बनाते हैं, इसलिए इन्हें प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके पास में ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण ये अपना खुद से खाना बना पाते हैं, राइट, है कि नहीं। तो अब ये जो ग्रीन पिगमेंट के कारण खाना बन रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जो आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। जिससे कि बाकी सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन होता है, बाकी सब्सटेंसेस जो रॉ मटेरियल है आपके फोटोसिंथेसिस के उनका ब्रेक डाउन होता है, इसीलिए उसे कहते हैं फोटो मतलब लाइट का सिंथेसिस। ये मान लो आपके पास में एक लीफ की बात कर रहे हैं, एक प्लांट की मैंने ग्रीन लीफ ली, ठीक है। अब इस लीफ में क्या है हमारे पास में? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जिसके अंदर है ये आपका क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर है आपके पास में क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लीफ की सरफेस ही सनलाइट को ट्रैप नहीं करती है, क्या ट्रैप करता है? क्लोरोफिल ट्रैप करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास में सिर्फ ग्रीन लीव्स जो है वो, क्योंकि ग्रीन लीव्स हैं तो आपके पास क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है। अगर लीफ रेड है, ये तो अगर क्वेश्चन आता है आपके पास में कि व्हाई अ प्लांट विद रेड लीव्स एंड विद येलो लीव्स और व्हाई अमरबेल स्टिल हैविंग लीव्स cannot do photosynthesis, सीधी सी बात है भाई, उसकी लीव जो है वो येलो कलर की होती है, मतलब उसके पास में क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल वो एब्सेंट है। एंड ओनली द क्लोरोफिल हैज द कैपेसिटी टू ट्रैप सोलर एनर्जी, सिर्फ क्लोरोफिल से वो हमारे पास में फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, इस कारण से वो हमारे पास में फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। समझ में आई बात? ठीक है। तो अगर हम बात इंग्लिश वाला तो फोटोसिंथेसिस को अगर हम बाय डेफिनेशन बताएं तो बाय डेफिनेशन क्या है? द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ग्लूकोज स्टार्च का सिंथेसिस कर रहे हैं, आप उसको फॉर्म कर रहे हैं बाय इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स CO2 एंड H2O बाय द सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स हैविंग क्लोरोफिल। कौन से सेल्स है भाई? ग्रीन प्लांट्स के सेल्स है जिनके पास में आपके पास में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, आप उसे कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इन इक्वेशन अगर मैं बताऊं तो 6CO2 + 12H2O गिव्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स आपका स्टार्च है, साथ में आपको मिलता है वाटर, साथ में आपको मिलता है वाटर। तो बात करें इस फोटोसिंथेसिस की, खुदा बड़ा 6
जी सॉरी, साथ में आएगा सिक्स हो। भगवान जी बड़े मेहरबान हो गए, घर कैसे जाओगे आप, एक ही जाता है ना। अच्छा तो देखो आप फोटोसिंथेसिस की ये तो बेसिक सी बात होगी जो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं, राइट। ये तो बेसिक सी बात है आपके पास में जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। अब अगर हम देखिए फोटोसिंथेसिस को, तो फोटोसिंथेसिस दो तरह के रिएक्शन होते हैं। फोटोसिंथेसिस में दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होते हैं और एक होता है डार्क रिएक्शन। क्या है फोटोसिंथेसिस में, एक होता है आपके पास में लाइट रिएक्शन और एक होता है आपके पास में क्या, डार्क रिएक्शन। कौन बताएगा भी क्या होता है लाइट और डार्क रिएक्शन? वो तो मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा के फॉर्म में, मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, बताओ। स्कूल में पढ़ा दिया होता है ना, यूज हो गया, क्या बचा है?
कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन तो वाटर में आ गया ना, तो बाय प्रोडक्ट हो गया, बाय प्रोडक्ट हो गया। देखो डार्क रिएक्शन क्या होता है, जब लाइट रिएक्शन हो रहा था उसके बाद में डार्क रिएक्शन क्या नहीं होता है, ये होता है लाइट रिएक्शन प्लस एंजाइम, लाइट रिएक्शन प्लस एंजाइम। मेरे पास में प्रोडक्ट्स है ना उनका यूज होता है, मतलब क्या होता है आपके पास में CO2 विद NADPH, क्योंकि NADPH तो है पर ये ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जिसको आप एब्जॉर्ब कर सको, जिसको तो इसको ATP में कन्वर्ट करना होता है। तो क्या करना है, ATP में कन्वर्ट करना है हमारे पास में, वो काम हमारे पास में डार्क रिएक्शन में होता है कि उसको ATP मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है प्लस एंजाइम्स। ये क्या करते हैं यहाँ से इसको ATP मॉलिक्यूल, मतलब जो अपना स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, इसमें इसको निकलती है हमारे पास में, इसीलिए इसे कहा जाता है थर्मोकेमिकल रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। समझ में आ गई बात, इसे किसने बताया, नहीं दो बंदे थे, एक था मेल्विन फ्लेमिंग और दूसरा था बेंसन। इन दोनों बंदों ने सबसे पहले इस रिएक्शन में किया था, उन्होंने हमें बताया कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में एंजाइम्स का जो है वो इस्तेमाल होता है और वो CO2 को ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। समझ में आ गई बात। अच्छा ये होता कहाँ है, ये तो हो गया ग्राना में। अगर आया कि व्हाट इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, क्या सारे बोलते बेटा, सारे कछु ना छोड़िए सब बोलते, अरे दिमाग लगाओ, ज्यादा नहीं लगाना। क्या हो रहा है भाई, लाइट रिएक्शन प्लस एंजाइम, मतलब जहाँ लाइट है लाइट कहाँ होगी, जहाँ पे क्लोरोफिल है क्लोरोफिल कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में। तो ये कहाँ होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, कहाँ होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है, सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। समझ में आई बात, फटाफट नोट करो। चलिए बढ़िया, अब बात करते हैं हम रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के, भी फोटोसिंथेसिस के क्या क्या रॉ मटेरियल है, कौन बताएगा, मॉली बताएगी, मिस मॉली, यस यस। रॉ मटेरियल्स हाँ बेटा बता, सनलाइट वाटर कार्बन। Raw materials of photosynthesis, पहला sunlight, दूसरा, तो देखो सबसे पहले बात करें sunlight की, sunlight हमारे पास में सबसे necessary component है, क्योंकि हमें पता है sunlight की मदद से ही हमारे पास में breakdown होता है बाकी components का। Plants जो है वो sunlight की मदद से food बना ही नहीं सकते, और इसीलिए हम कहते हैं sunlight क्या है, प्लांट्स के लिए रेडिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी है। आगे बात समझ में, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रेडिएंट सोर्स ऑफ सनलाइट, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स, सिर्फ एक लाइट एनर्जी आपके पास है, फ्रीक्वेंसी की अलग-अलग रेडिएंट की आपके पास में है। तो कौन सी यूज होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, दैट इज विजिबल लाइट। ये क्या है, ये है विजिबल लाइट,
ये जो येलो लाइट आपको नजर आती है ना, जो सूरज की किरणें आ रही है, येलो लाइट नजर आ रही है, दैट इज विजिबल लाइट. पर क्या ये विजिबल लाइट येलो या व्हाइट कलर इसी कलर की होती है? नहीं, ये सेवन कलर से मिलकर बनी हुई होती है. ये सेवन कलर से मिलके बनी हुई होती है. सेवन कलर्स कौन से? आपके वेवलेंथ. सेवन डिफरेंट कलर से मिलके बनी हुई होती है, जिनकी वेवलेंथ जो होती है वो अलग अलग होती है. मतलब वायलेट लाइट की रेडिएशन की वेवलेंथ अलग है, रेड की अलग है, ग्रीन की अलग है. सबकी जो है वो वेवलेंथ आपके पास में अलग होती है. और जो वेवलेंथ है वो रेंज करती है क्या? 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच में रेंज करती है. ठीक है, 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच रेंज करती है, जिससे कि हमारे पास में प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है और फूड को बनाता है. राइट, ठीक है. अब बात उठती है, कई बार क्वेश्चन आता है कि सनलाइट की कौन सी रेडिएशन रेंज फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है. तो हमारे पास में सनलाइट में आ गया आपके पास में विजिबल लाइट में, बल्कि नॉट सनलाइट, विवियॉन. ये सेवन कलर्स है, तो रेड में सबसे ज्यादा, रेड में जो है वो फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है आपके पास में. सबसे लार्ज अमाउंट में फोटोसिंथेसिस रेडिएशन में होती है हमारे पास. और सबसे कम, अब इसका उल्टा मत ले जाना कि सबसे कम वायलेट में होती है, सबसे कम आपके पास में जो है वो ग्रीन वाले रेडिएशन में होती है हमारे पास. ठीक है, सबसे पहले सबसे कम जो है वो हमारे पास में ग्रीन वाले रेडिएशन में होती है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अगर आपने सिक्स क्लास में पढ़ा हो तो प्लांट का कलर ग्रीन क्यों दिखाई देता है, इस बोर्ड का कलर व्हाइट क्यों दिखाई दे रहा है हमारे पास में? जो कलर दिखाई दे रहा है ना, मतलब एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बाकी कलर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा. आ रही बात समझ में? लाइक मेरा नेल पेंट आपको रेड नजर आ रहा है, तो इसका मतलब जो विजिबल लाइट इस पे फॉल कर रही है उसका रेड कलर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बाकी सब कलर एब्जॉर्ब करेगा. तो जो ग्रीन, तो ग्रीन प्लांट्स जो है वो ग्रीन लाइट को, जो ग्रीन कलर है लेंगे, बाकी सबको एब्जॉर्ब करेंगे, ग्रीन वाले रेडिएशन को वापस भेज देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं. इसलिए मिनिमम फोटोसिंथेसिस होता है हमारे पास में ग्रीन रेडिएशन. समझ में आ गई बात? बढ़िया. नेक्स्ट, वाटर, हमें पानी क्या करता है जी? पानी, पानी आता कहाँ से है? प्लांट के पास पानी कहाँ से आता है? रूट से आता है. प्लांट के पास पानी कहाँ से आता है भाई? रूट से आता है. रूट से कैसे आता है? प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. नाइन्थ क्लास से पढ़ा था ऑस्मोसिस. किसको किसको नहीं याद है ये बताओ. बेटा ऑस्मोसिस ऊपर भी हो सकता है. क्या आया? क्यों रखते हैं? पुण्य कमाते हैं. वाटर जो है वो रूट से एब्जॉर्ब होता है थ्रू प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. देखो ऑस्मोसिस क्या होता है, जैसे प्रोसेस हमने किया था डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है कि एक पतली सी मेम्ब्रेन है जिससे कि वाटर का डिफ्यूजन. अच्छा जी, तुम्हें याद है आप कह रहे हैं मुझे याद नहीं, बोलने में एतराज है, जबान घिस जाएगी. बोल बोला था किसी ने, सुना ऑस्मोसिस? आपके पास में प्लांट्स में आपके पास में रूट्स की जो यहाँ पे लेयर होती है उससे जो है वो वाटर का एक्सचेंज होता है आपके पास में. दिस इज ऑस्मोसिस. और फिर उसके बाद में जाइलम की मदद से ये सारा जो पानी है ये प्लांट्स के लीव्स तक पहुंचाया जाता है जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है. CO2 इंटरकैलरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू, वो ग्रोइंग टिश्यूज. कंडक्टिंग टिश्यूज दो है आपके पास में, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम जो रूट से प्लांट्स के पार्ट तक कंडक्ट करता है और फ्लोएम जो है वो प्लांट की लीव से लेके बाकी पार्ट तक कंडक्शन करता है. तो वो एब्जॉर्ब कब करेगा?
वहीं पे अगर हम एक्वाटिक प्लांट्स की बात करें तो एक्वाटिक प्लांट्स में हमारे पास में सरफेस होती है जिससे कि वो वाटर में डिजोल्व जो हमारे पास में होती है उसको लेते हैं, ठीक है। और ये मदद करता है फोटोसिंथेसिस में। अब जो प्लांट यूज करते हैं, ये नहीं हर वक्त यूज करें, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिल पाएगी में इसको परफॉर्म कर पाएंगे और उसे कहते हैं कंपेंशनेट पॉइंट। क्या कहते हैं? कंपेंशनेट पॉइंट। अब ये कंपेंशनेट पॉइंट क्या होता है? जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम होती है, जब इंटेंसिटी लाइट आपके पास में मिनिमम, अब मिनिमम कब होगी भाई? दिन में तो मिनिमम होगी नहीं, सुबह के टाइम और शाम के टाइम में। तो कंपेंशनेट पॉइंट कब मिलता है भाई? आपको मॉर्निंग में मिलेगा और इवनिंग में मिलेगा, जब आपके पास में फोटोसिंथेसिस होगी। दिन के टाइम में पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं करता, इसीलिए कहते हैं दिन के टाइम में पौधे को पानी मत दो। पर हम जो आम आदमी है, आम आदमी अपनी सोच से सोचता है दिन के टाइम में जो है वो बहुत ज्यादा सूरज की किरणें हैं, पानी का भूखा है पौधा, जाके उसको पानी दे के और उसको पानी मत दो, उसको भी सर्द गर्म होती है। इसीलिए मॉर्निंग और इवनिंग में पौधे को पानी देना चाहिए। फिर आते हैं हम क्लोरोफिल पे। भाई क्लोरोफिल आपके पास में क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, ग्रीन पिगमेंट है हमारे पास में जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है, जिस कारण से पूरा प्रोसेस हो पाता है। आगे बात समझ में। लास्ट टॉपिक फोटोसिंथेसिस का भी, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपके पास में फोटोसिंथेसिस को। तो यही सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे हमारे पास में फोटोसिंथेसिस को। सबसे पहला फैक्टर जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सबसे पहला सनलाइट। क्यों भाई? कंपेंशनेट पॉइंट पे फोटोसिंथेसिस होती है सर, हर वक्त तो होती नहीं है हमारे पास। कंपेंशनेट पॉइंट पे फोटोसिंथेसिस होती है तो एट पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास में नॉर्मली जो प्लांट है वो यूटिलाइज करेंगे सनलाइट को, पर क्या करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यूटिलाइज करेंगे हमारे पास में। दूसरी बात, हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां होता है? रेड लाइट में। लोएस्ट कब होता है आपके पास में? ग्रीन लाइट में। साथ ही जब बहुत ज्यादा जो है वो सनलाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सनलाइट फॉल हो रही है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑलमोस्ट जीरो, मिनिमम होगा आपके पास में। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमें जो है वो कम देखने को मिलता है। समझ में आ रही है बात? दूसरा क्या है, अगर फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत ज्यादा, सनलाइट बहुत ज्यादा है तो उसमें दूसरा कारण क्यों नहीं होती है? देखो, जब बहुत ज्यादा सनलाइट पड़ रही है, दिन के 12 से 2 के बीच का टाइम आप ले लो, तो उस समय पे ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब प्लांट जो है वो वाटर को रिलीज बहुत ज्यादा करेगा। अब जब वो वाटर को बहुत ज्यादा करेगा तो वाटर प्रेजेंट भी नहीं है जिसको वो ब्रेक डाउन कर सके और अपना डार्क रिएक्शन कैरी आउट कर सके, लाइट रिएक्शन कैरी आउट कर सके, है कि नहीं? तो इसलिए भी हमारे पास में उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है। दूसरा आता है टेम्परेचर। वही सेम चीज बात हो गई हमारे पास में, प्रॉपर एडिक्वेट टेम्परेचर चाहिए हमारे पास में। एडिक्वेट टेम्परेचर क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के बीच में आपके पास में पौधा जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसके अलावा नहीं करता है। पर अगर हम स्प्रिंग्स की बात करें तो जो हॉट स्प्रिंग्स होती है जो ह्यूमिडिटी में रहती है वो 60-70 टेम्परेचर में भी फोटोसिंथेसिस कर लेती है। उनके लिए 60-70 इज नॉर्मल, 60-70 डिग्री सेल्सियस है तब भी वो फोटोसिंथेसिस कर पाते, क्यों? वहां ह्यूमिडिटी है। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे पास में, इसका प्रेजेंस बहुत ज्यादा हैम्पर करता है आपके पास में फोटोसिंथेसिस को। मतलब अगर इनवर्सली अपोजिशन चलता है, कंसंट्रेशन बढ़ा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घट जाएगा। दिस इज इनवर्सली अपोजिशनल टू रेट। कितना होना चाहिए? 0.1% से लेके 0.9% के बीच में होना चाहिए। इसे सैचुरेशन पॉइंट भी कहते हैं। इसके बीच में अगर आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, वरना प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन भाई, O2। अब कहोगे भाई ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस होता है,
ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होता है हमारे पास में, हमारे पास में ये इनहिबिटर होता है। इनहिबिटर मतलब क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन ना हो, कि कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन ना हो सके। तो अगर ओ2 ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, समझ में आ रही बात। ओ2 ज्यादा है तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। अच्छा एक क्वेश्चन आया दिमाग में, हमारे पास में टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो ज्यादा, तुम्हारा लॉजिक बहुत बेकार है भाई। एक्वाटिक प्लांट ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि एक्वाटिक प्लांट्स की सरफेस कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करती है, पर जो हमारे पास में टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनका सिर्फ स्टोमेटा है अब्सॉर्ब। आने वाला समय में एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन, याद रखिएगा एक्वाटिक प्लांट्स ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, टेरेस्ट्रियल कम करते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है क्लोरोफिल, पांच चैप्टर है भाई आखिरी, क्लोरोफिल बताओ क्लोरोफिल का क्या होगा। क्लोरोफिल का जो है वो डायरेक्टली पोर्शन होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के, मतलब जितना क्लोरोफिल का कंसेंट्रेशन ज्यादा उतना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा। अगर क्लोरोफिल एब्सेंट है हमारे पास में तो बिल्कुल भी हमें फोटोसिंथेसिस देखने को नहीं। Finishes your topic of photosynthesis and as per me, your syllabus of this term.